धार्मिक सीरियल बनाने के लिए अब एक नया नाम उभर कर सामने आ रहा है। स्वयं सिनेमा ने 28 मार्च 2016 को प्रथम चरण में 3 धारावाहिकों का निर्माण कर अध्यात्म टीवी पर टेलीकास्ट करने की शुरुआत की, जिसमें रंग रंगीलो बांके बिहारी, महिमा माँ जगदम्बे की और संगीत सफारी विद अनूप जलोटा, इसका प्रसारण सनातन टीवी पर भी चल रहा है। इस बारे में शुभम सिनेमा के मुखिया प्रेम राजपूत और उनके सहयोगियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीरा रोड में क्या कुछ कहा, पेश है मेट्रो इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट। इसका मेरा मकसद था आप लोगों से रूबरू होना पहली बार, और मेरे लिए था कि अभी तक मैं आप लोगों से बच बचा के जो भी कर रहा था, और मैं देखा कि मुझे ज़रूरत है कि आप लोग मिलें, आपके सहारे हमको जगह तक पहुँचें। और मेरा निसंदेह सिर्फ एक ही मकसद था कि इस बार मैं आप लोगों से, रिपोर्टर से, पत्रकारों से मैं मिल करके अपनी बात को उन तक पहुँचाऊँ और उनके माध्यम से आगे पहुँचे। कल या परसों जब गणेश विसर्जन के बाद की खबरें आएँ तो उसमें कहीं कहीं गणपति बप्पा के विसर्जन के साथ साथ हमारी भी खबरें कहीं पढ़ने को, कहीं सुनने को मिल जाएँ। बस यही एकमात्र उद्देश्य था जिसके लिए मैंने आज सोचा कि मिलूं आप लोगों से। आपको चुनना बड़ा आसान लगा क्योंकि मैं जब आज से करीब 17 साल पहले जब इस पर शोध शुरू किया था और 7 साल पहले जब पूरा किया, तो उस दौरान मुझे पता लगा कि ये विषय बड़े आसान है, इसमें बड़ी रोचकता है। अगर हम एक नई कहानी लेते हैं, एक सोशल ड्रामा हम शुरू करते हैं, तो तरह तरह से ट्विस्ट लाना पड़ता है और हम देखते हैं कहानी कहीं वहां से मिल रही, कहीं वहां से मिल रही, कहीं वहां से मिल रही है। जब मैंने भारतीय संस्कृति और पौराणिक इतिहास के बारे में जानकारी ली तो मुझे पता चला कि इनमें इतने ट्विस्ट हैं और ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि जिसके लिए हमें जो है अलग से कुछ मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मुझे बड़ा आसान सा लगा सर जी। ये प्रेम एक लड़के से, दैत्य गुरु की बेटी देव गुरु बृहस्पति के बेटे से प्रेम करती है, स्वच्छंद प्रेम करती है, और देवगुरु का बेटा उसके प्रेम को एक्सप्लॉइट करता है, उसके प्रेम को एक षड्यंत्र के माफिक लेकर के उसके पिता से सब कुछ छीन लेता है। जब कच्छ लौटने लगता है और देवयानी उससे कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, वो कहता है मैं जाऊंगा, और जिस पर वो छोड़ के चला जाता है और देवयानी हालांकि उसे अभिशाप भी दे देती है। उस समय अगर आज की कहानी से आप जोड़ें तो एक पिता जिसकी जवान बेटी ने अपनी अस्मिता खो दी और उस पिता ने अपनी सारी दौलत, मृत संजीवनी विद्या के जनक थे, मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की थी भगवान आशुतोष से शुक्राचार्य जी ने, उनकी मृत संजीवनी विद्या को भी कच ले गया और उनकी बेटी की अस्मिता को, उसके चैन को भी ले गया। शुक्राचार्य की एकमात्र पुत्री, शुक्राचार्य की पत्नी गोराज इंद्र की पुत्री जयंती थी और वो इस बच्ची को जन्म देके ही मर गई थी। तो शुक्राचार्य का मतलब एक पिता का सब कुछ और एक बेटी का सब कुछ, दोनों एक साथ वो छीन के लेके गया। कहानी वही नहीं रुकती, उसके बाद देवयानी प्रतिष्ठानपुर के राजा महोश के बेटे ययाति को प्यार करती है और उनके साथ जब उसका विवाह होता है तो उससे कहती है, हमने देवयानी को दिखाया है कि बचपन में ही अपने पिता से कहती है कि ये बहुविवाह क्यों होते हैं, और बहुविवाह होते हैं तो पुरुषों के ही क्यों होते हैं, नारी के क्यों नहीं हो सकते। और पिता कुछ कह नहीं पाता। बाद में जब उसका विवाह होता है तो अपने पिता से कहती है कि मेरे पति से कह दो कि मैं उनके साथ संतुष्ट रहूंगी और वो भी मेरे साथ संतुष्ट रहें। लेकिन आगे चल करके उसका पति ययाति देवयानी की सखी शर्मिष्ठा पर अपने प्रेम में उछावर कर देता है, फिर से ट्विस्ट आता है। उसके बाद में हमारे शुक्राचार्य हैं, अभी विवेक नारायण जो इप्टा थिएटर ग्रुप से 1992 से उसके हीरो बने। आप इप्टा के अगर नाटक कवरेज की कभी की होंगी आपने, तो इप्टा हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रुप है नाटक का, और उसमें वो 16 साल से करीब उसके नायक की भूमिका निभाते रहे हैं, चाहे कश्मकश रहा हो और चाहे अलका के बाल बच्चे रहे हो, चाहे ऐसे बड़े बड़े नाटक, उसके बड़े ही मूर्धन्य कलाकार हैं विवेक मारवा, जिनको मैंने शुक्राचार्य के रोल के लिए आगे लिया है और बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। इसके अलावा अभी 2 बच्चियों का रोल है और सौभाग्य से हमें 2 बच्चियां, एक शिप्रा सिंह और एक नई बच्ची है, उसका नाम क्या है, मतलब अपने अपने जगत के बड़े प्रतिष्ठित कलाकार लोग हैं जी। प्रेम जी अगर शाम को 7:30 बजे सनातन टीवी पर देखेंगे, सनातन टीवी सारे केबल नेटवर्क पर है, वीडियोकॉन पर है, और जल्दी से हम एयरटेल पर आने वाले हैं, और थोड़े दिन के बाद हम उसका रिपीट टेलीकास्ट हम करेंगे एक साथ में अध्यात्म चैनल पर, जो सारे नेटवर्क पर है, तो इन 2 जगहों पर हम दिखाने वाले हैं। इसके अलावा YouTube पर जाकर के शुभम टीवी आप जो है करेंगे और उसमें आपको मिल जाएगा, YouTube पे शुभम सिनेमा के नाम से इसको देख सकते हैं,
और इन जगहों पर हम देख सकते हैं इसे। चलते चलते दर्शक शुभम सिनेमा के कार्यक्रमों के प्रति अपना प्यार बनाए रखें। प्रेम राजपूत और शुभम सिनेमा और प्रेम राजपूत की टीम उन्हें कभी निराश नहीं होने देगी। आपका कल कैसा भी हो, अपनी संस्कृति के करीब रहा हो या दूर रहा हो, लेकिन आपके वर्तमान के साथ में आपका हम जो भविष्य का मनोरंजन है उसे सार्थक बना देंगे और आपको स्वयं अच्छा लगेगा। श्वेता को बुला देना। और आपके वोटर कैंसिल